राज्य शासन के सख्त आदेश के बाद भी रेत का अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है। शासकीय ठेकेदार की मनमानी इस कदर हावी है कि स्वीकृत रकबे को छोड़कर अन्य स्थानों से भी खनन कर नर्मदा तटों को छलनी कर रहे हैं। मंगलवार को कसरावत और महेश्वर तहसील से कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने अलग अलग शिकायती आवेदन सौंपा है। ग्रामीणों ने शिकायत में बताया कि ठोस कार्यवाही नहीं होने से लगातार मशीनों से यह अवैध कारोबार हो रहा है। महेश्वर के नर्मदा तटीय ग्राम सेजगांव पाद्यघाट खेड़ी पीटामली बेहगांव में खुले आम बालू और काली रेत का अवैध खनन परिवहन किया जा रहा है। कई बार जिम्मेदारों का इस ओर ध्यान आकर्षित कराया गया लेकिन ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जिले में स्वीकृत रेत खदान ठेकेदार आर के कंस्ट्रक्शन स्वीकृत रेत खदानों के खाली रकबे को दरकिनार कर शासकीय व निजी भूमि से रेत निकाल रहे हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत बड़गांव एवं कठोरा आर के गुप्ता द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है और रोकने जाने पर उनके जो रेत माफिया है वो दादागिरी करके ट्रैक्टर डंपर चढ़ाने का बोलते हैं, गोली चलाने का बोलते हैं और जबरंग चला रहे हैं। जहाँ स्वीकृत रकबा है वहाँ पर नहीं चलाते, अवैध तरीके से खनन करते हैं। आपको क्या परेशानी हो रही है? गांव को परेशानी है, मवेशी चरने भूमि हो रही है, पानी नर्मदा जी का पानी गांव के अंदर घुस जाएगा। अब क्या चाहते हैं आप? बंद करवाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? रामेश्वर यादव। कहाँ से आए? कठोरा। बता रहे हैं कि वहाँ पर बाहर के लोग आए हैं और क्षेत्र के लोगों को दादागिरी बताते हैं। पूर्व में भी ऐसी काफ़ी घटनाएं हो चुकी है, रेत खदान को लेकर काफ़ी मर्डर हो चुके हैं, कि 3 से 4 मर्डर हुए हैं और अभी भी आपस में रंजिशें बरकरार हैं। आप क्या चाहते हैं? आज आपने शिकायत करी थी तो एक तो अवैध उत्खनन पूरी तरह से बंद हो, दूसरा स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। पिछले 1 साल से स्थानीय युवा वहाँ से काम कर रहे थे, अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, लेकिन पिछले 20 वर्ष से पूरी व्यवस्थाएं कंपनी ने बदल दी है और बाहर से गंगानगर राजस्थान से पूरा स्टाफ बुलाकर यहाँ पे स्थानीय लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। संतोष सिंह ठाकुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।